अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मलिक साहब। वालेकुम सलाम अकमल भाई, आप सुना ठीक है? खबर नहीं, तो बहुत बहुत मैं गुजार हूँ जी। लबाक से सलामत रखे और बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जहाँ टाइम दिया जी। मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और अदालतों का भी सामना कर रही है, उनके साथ उनको गवर्नमेंट से भी उतारा जाता है, तो तब अपोजिशन के उस वक्त ये अपोजिशन कहती है जी फतह हुई है, और आज अगर दोहरानिया बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का दोहरानिया जो कोई इस वक्त सही जम की समझ में आ रहा है, तो अपोजिशन को जो है ना वो इतराज़ वो उनकी समझ और वो उनको एतराज़ हो रहा है, अदालतों में भी हो रहा है, और वो कहते हैं जी हम तो बगावत करेंगे इस अदालतों का और हमें फुल कोर्ट चाहिए, जबकि उनको पता है कि फुल कोर्ट फुल जो है ना लार्जेस्ट बैंक जो कोर्ट मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जी हमें तो चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान आता है तब ये ठीक कहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है यानी कि कानूनी हक में आता है तो इनको इतराज़ होता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और जैसे आपने देखा था 17 तारीख को हमारे इलेक्शन हुए थे, इनका तो पिछड़ा इन्होंने पंजाब में हमारे को हराने की सोची थी और हम हरे भी, हमारे जितने वोटिंग हमारे निकलते रहे आखिर एक जीत हमारी हुई, हमारे बंदे इन्होंने जेल में डाले, शहबाज गिल को डाला, काफ़ी लोग हमारे कॉल ब्लॉक में थे, आखिर जीत हमारी हुई। जब बात आए फैसले में, जब हमारे रिजादा बनने वाले थे तो हमदा कुकड़ी को इन्होंने बना दी गई जजेस में, और हमारे वोट काउंट नहीं किए गए इनके वोट काउंट में, और हम भी कहते हैं बगावती हुई है, हम नहीं मानते सुप्रीम को, और जब इमरान खान ने कॉल दी यार कि हम पूरी दुनिया पूरी ममालिक सब इमरान खान की एक कॉल पर लबैक की, शहर शहर गली गली एक नारा लगा था इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, और वोटी हुकूमत नामंजूर। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगर ये 5 बजे इलेक्शन 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे ये फैसला साढ़े होना तो यही चाहिए था, जैसे कासिम सूरी के ने जिस तरह उसके मुतालिक आया बयानिया आया बिल्कुल ठीक बात करी, मेरी कल रात की कासिम साहब से बात हुई थी, कासिम साहब बोला कासिम साहब आपको इस टाइम किस स्पीकर होना चाहिए था, इन्होंने मुझे नहीं बताया गया था, पगार तो टोलों ने खरीदा हुआ था इनके डिप्टी स्पीकर को, और इन्होंने काउंट नहीं किए गए वोट हमारे, और इन्होंने बस 10 वोट मुशरफ करके और इनको अपने हमदा कुकड़ी को बना दिया गया था, हमें मुशरफ करके हमें हरा दिया गया, जश्न बनाइए हमारे मौसम था शहर शहर कराची कराची लाहौर हैदराबाद रंजा खान दुबई इस्लामाबाद, और इमरान खान के एक कॉल पूरा समझ ऐसा भरा हुआ था कोई समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, इन चाला इमरान खान साहब 2023 में भी इमरान खान की हुकूमत अभी भी इमरान खान के साथ हैं और इन चाला रहेंगे। अच्छा ये इमरान खान साहब के हुकूमत वाले बड़े परेशान हैं, आप समझते हैं कि अपोजिशन की कुर्सी जा रही है इस वक्त? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, इंशाल्लाह इमरान खान की सरकार रहेगी, और इंशाल्लाह 100% ऐसी है हमदा कुकड़ी की और हमदा शहबाज शरीफ की आखिरी टांगे बस रह गई है, बस इनका आखिरी झटका है, इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह ख़त्म होने वाली है, हो सके मरीन नवाज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान छोड़िए भाग जाए। देखें आप मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमती जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान से बहुत परेशान है, आप समझ रहे हैं कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 2 जहाज एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं और ये किसी वक्त भी हुकूमत छोड़ के जा सकते हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान से मौजूदा हुकूमत घबराहट का शिकार है? बिल्कुल वो इमरान खान की टेंशन जो है घबराहट की वजह से ये लोग भाग जाएंगे, इमरान खान ने अभी सिर्फ डायरी खोल दी है, डायरी के चक्कर में पता आपको पहले जब निकला था और डायरी लेके निकला था, अब जब आया वापसी डायरी लेके आए जब उसने डायरी खोली सब भागे हैं, रातों रात गंडारी भाग गए, अब जिसके सिद्दीकर भाग रहा है, अब मरी नमाज भाग जाएगी, कल मोहम्मदा कुकड़ी भाग जाएगा, सिपाशी वो भी हटम हमारी जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। मरियम औरंगज़ेब ने जो नाज़ेबाना अल्फाज इमरान खान साहब के लिए बयान किए उन्होंने एक से एक इल्ज़ाम लगाए हैं, आप समझते हैं कि उनके जो इल्ज़ाम बेबुनियाद, आप उनके इल्ज़ाम को बेबुनियाद समझते हैं आप जो उन्होंने खान साहब पे लगाए हैं? बिल्कुल वो अल्लाह माफ़ करे मैं ट्विटर पर यही बात चल रही थी अकमल भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है,
मरियम नवाज मरियम देव की उल्टी बयान आते उल्टी सोच से समझे बात ही करती उसके मुकाबले का लेकर आए समझ में आती है। रात में गुजो तेज में गुजो रात में मौलाना के साथ बैठे होते हैं और जो आज तीनों पार्टी एक साथ अलग अलग थी और तीनों को मम्मी पापा बना दिए डीजल हो गया मुत्यादा मूवमेंट हो गई और बिलावल हो गई आज तीनों के गोते में एक साथ बैठे होते हैं कहाँ का इंसाफ है। और इमरान खान को आप गलत सोच रहे हैं वो ऐसा बंदा नहीं है वो ईमानदार लीडर है इंडिया का नापुर इंडिया का सही स्टार्ट करता है और इंशाल्लाह गलत बात करोगे हम गलत का बयान देंगे सही का सही बयान देंगे। आखिर में मलिक साहब आप मुल्क और कौम को क्या पैगाम देंगे जो आज का फैसला आने वाला है 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का? इंशाल्लाह अकमल भाई इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह पाक से यही है जीत हमारी इंशाल्लाह होने वाली आज इंशाल्लाह काफी साल से वो फैसला हमारे हक में आज इंशाल्लाह ये भागने वाले जल्दी फैसला नहीं आता और इंशाल्लाह देख लीजिएगा शाम में 5-6 बजे के बाद हम सीएमओ का घराव कर रहे हैं। नहीं सीएम हाउस का आप घेराव कैसे करेंगे जी आप सीएम हाउस का घेराव कैसे करेंगे आप फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना है घेराव आप सुप्रीम को सीएम हाउस का करेंगे ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी सही है क्योंकि हमने 2 दिन पहले भी ऐसे किया था सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तब भी आया अगर इमरान खान ने कॉल दे दी पूरे वहां सड़कों पर निकल लेगी हम सड़कों पर नहीं निकलेंगे डायरेक्ट सीएम हाउस का घेराव करेंगे पूरी पब्लिक हम वहां लेके जाएंगे वहां से लेकर सादाबाद लांडी तक पूरा बंद कर देंगे बोले का लास्ट तक हम बंद कर दें फिर पता चलेगा हम कच्ची वाले कितने खतरनाक है और कितने इस्लामाबाद और लाहौर वाले इंशाल्लाह हम छोड़ के रहेंगे हम सीट ले के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं बल्दियात को मौखर किया गया है आप समझते हैं कि बल्दियात को मौखर ये ठीक किया गया है सिंध गवर्नमेंट सिंध लोकल बॉडी इलेक्शन का? बिल्कुल इंशाल्लाह 5 तारीख को इलेक्शन होने वाले जनवरी को इंशाल्लाह जीत हमारी है। तो आप समझते हैं कि मेयर कराची जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है बहुत शुक्रिया मोहम्मद मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे आप।